चलिए दोस्तों जहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे उसके आगे बढ़ेंगे उनसे भी पहले आप लोगों को विजया दशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ जैसा कि आप लोग जान रहे हैं आज के ही दिन भगवान राम रावण का वध किए थे और अयोध्या के तरफ आ रहे थे तो आप लोग व्यस्त भी होंगे मेला सब में तो इसलिए हम भी वीडियो थोड़ा आज छः बजे नहीं उससे पहले ही बना रहे हैं ताकि हम भी थोड़ा सा इस मेला का आनंद ले सकें चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं आप लोग बढ़िया से मेला देख लीजिए उसके बाद फिर समय मिलने के बाद आप लोग इसको नोट कीजिएगा साथ में पढ़ाई भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है चलिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट करें डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट करें तो आज उसके आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं यहाँ से आम आरएनए और टी आरएनए में आम आरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए और टी आरएनए का मतलब होता है टी आरएनए का ट्रांसफर आर एन का तो सब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट इसमें समझना है आम आर एन जो कि आप लोग को हम पहले बता चुके हैं आम आर एन का में आप लोग देखे थे उसमें नाइट्रोजन बेस मैसेंजर आर एन जो था उसमें नाइट्रोजन बेस नहीं था और जस्ट उसके अपोजिट यदि आप आइएगा इसमें नाइट्रोजन बेस पेयर आपका पाया जाता है पहले में नहीं था दूसरे में था इसमें कोडोन पाया जाता है ये कोडोन क्या होता है दोस्त आपको हम बताएंगे बहुत अच्छे तरह तरह से आपके एन में भी फिगर है इसका इसमें कोडोन पाए इसमें कोडोन पाया जाता है इसमें एंटी कोडोन पाया जाता है ये दोनों चीज़ें भी आपको बताएंगे आगे इसमें लूप तथा आर्म का निर्माण नहीं होता है आर्म में लूप नहीं था लेकिन आप लोग देखे होंगे टी आर एन ए में इस टाइप का लूप आपका ऐसा आया था इस तरह का आया था इस तरह का लूप आया था कल के वीडियो में आप लोगों को हम बताए हुए थे यह एमिनो एसिड का स्थानांतरण यह एमिनो एसिड का स्थानांतरण रूप व्यवस्थित कर एक प्रोटीन श्रृंखला बनाता है आम आर एन ए प्रोटीन का निर्माण करता है और ये आपका एसिड का स्थानांतरण करता है तो यही आपका दो नंबर में आता है कोई भी तीन पॉइंट आप आराम से इसमें याद रखिएगा आज का मेरा पढ़ाने का मेन मकसद था यही आपका दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो कई बार एग्जाम में आ चुका है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसको कई बार एग्जाम में रिपीट करके पूछा गया है तो इसको आप लोग विशेष तरीके से एक बार ध्यान दीजिएगा तो आपको एक बार पहले ये समझाते होता क्या है यही जो वो है कि जिससे आप सीआईडी सब तो देखे ही होंगे इसमें तो आप लोग मास्टर हैं देखने में ये सीआईडी सब जो देखे हैं तो सीआईडी सब में क्या करता है एक बाल भी उसको यदि मिल गया वो बाल का क्या निकाल लेगा आप लोग समझ गए होंगे उसी बाल के सहायता से वो उस चोर तक पहुंच जाते हैं लेकिन कैसे या मान लीजिए कोई चोरी कर रहा है चोर अब चोरी जब कर रहा है चोर तब इस स्थिति में वो वो कुछ ना कुछ मान लीजिए कि किसी कांटे में फंस गया कांटे में फंस के उसका थोड़ा सा ब्लड का छेछाड़ लग गया उस छेछाड़ के भी सहायता से वो क्या हो सकता है वहाँ तक वो पहुँच सकता है तो चलिए चलिए पप्पू भैया को भी याद कर लेना है कभी कभी आप लोग याद इनको करते नहीं हैं ये बूढ़ा मान लेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा चलिए डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग क्या है चलिए ना सबसे पहले इसको अपने भाषा में आपको समझाते हैं उसके बाद फिर आपको हम लिखा हुआ जो होगा वो समझा देंगे बहुत मज़ा आने वाला है सबसे क्या पहले हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो हमको निशानी सब ले ले लेते हैं निशानी का मतलब जिसमें कोशिका का कुछ ना कुछ मात्रा हो चाहे हमको बाल मिल जाए बाल का एक या कोई ब्लड जिसमें कोशिका का कुछ ना कुछ मात्रा हो उसको हम टेस्ट ट्यूब में देते हैं ठीक है टेस्ट ट्यूब में दे दिए एक मिनट दोस्तों इसमें टेस्ट ट्यूब में हम इनको दे दिए कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए इसलिए इसको हम बंद कर दिए हैं चलिए इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब में दे देते हैं टेस्ट ट्यूब में देने के बाद हम क्या करते हैं जब टेस्ट ट्यूब में दिए तो किसके लिए उससे सबसे पहले हमको कोशिका को निकालना है और जैसा कि जानते हैं दोस्त कि कोशिका में आपका एगो केंद्रक तो होगा ही उससे हम केंद्रक निकाल लिए होता डब्ल्यू बी सी बी है लेकिन हम केंद्रक को निकाल लें अब केंद्रक से हम लोग बहुत सारा टुकड़ा करके इस बेचारे से हम केंद्रक से क्या निकाल लिए डी एन ए निकाल लिए देखिए डी एन ए का फिर बहुत सारा हम खंड कर दिए मेरे बात को समझिएगा एक बार हम फिर से समझाना चाहेंगे हम किसी आदमी का मान लीजिए ना जल्दी जल्दी भाग रहा था वो भाई जी उसका बाल टूट के बिछावन पे गिर गया सोना चांदी चुरा के जा रहा था उस बाल से हम केंद्रक को निकाल लें अब केंद्रक से खंड खंड करके हम डीएनए को निकालें मतलब केंद्रक से सॉरी डीएनए को निकालें अब डीएनए का हम खंड कर दिए अब खंड करके उसको हम सजाएँ आकृति के आधार पर सजा दिए फिर एक मशीन होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट उसमें हम डाल दिए फिर इले, वो हो गया फिर इले, इससे क्या होता है एक डीएनए खंड से फिर हम उसमें दो गो डी खंड बनाए फिर उससे हमको डीएनए का उसका किसका डीएनए था जिस पे था जिसपे हमको डाउट है तब उससे हम मैच करेंगे उससे डीएनए से हमको ये पता चल गया तो ये लगता है सर आप गोल गोल क्या बना रहे हैं तो हम आपको एक मोटा मोटी कहानी इसमें जो होने वाला था वही आपको समझाने का कोशिश किए हैं अब देखिए इतना सा कहानी यदि आप समझ गए तब तो ठीक है यदि नहीं भी समझे हैं तो टेंशन का बात नहीं है नीचे समझ लीजिएगा भाई चलिए हम आपको लिखा हुआ समझाने का कोशिश करते हैं हम्म हु, चलिए देखिए इसमें लिखा हुआ है आप डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग पढ़ रहे हैं वह तकनीक जिसके माध्यम से ऑटो रेडियोग्राफी की प्रक्रिया डीएनए खंडों के साथ संपन्न करवाया जाता है ये प्रोसेस जो है ना दोस्तों इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी ठीक है टेंशन नहीं लीजिएगा वही बताए थे आपको नाम बोलना भूल गए थे फिर से समझिए वह तकनीक जिसके माध्यम से ऑटो रेडियोग्राफी की प्रक्रिया डीएनए खंडों के साथ संपन्न कराया जाता है तब अक्सरे प्लेट पर अक्सरे प्लेट पर डीएनए खंडों की छाप दिखाई पड़ता है इस प्रक्रिया को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं जबकि प्राप्त डीएनए खंड के छाप को डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं जो छाप जो पड़ता है ना इसी को हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं यह निम्न चरणों में संपन्न होता है निम्न चरणों ये प्रक्रिया आपका बहुत सारा ये फोटो जो दिखाए हैं उसी के अनुसार बहुत सारा प्रक्रिया है तो सबसे पहले अभी बताएं आपको डीएनए नमूने के लिए कोशिका रूपी नमूना लिया जाता है जैसे ब्लड हो गया खून हड्डी त्वचा बहुत सारा हो सकता है बाल भी आपको एग्जाम्पल दिए थे बाल भी हो सकता है इस नमूने को दूसरा पॉइंट में है इस इस नमूने को कोशिका इस नमूने इस नमूने से कोशिका पृथक कर लिया जाता है उसके बाद उसके केंद्रक को निकाल लिया जाता है भी बताए थे केंद्रक को हम निकाल लिए थे केंद्रक से पुनः किसको डीएनए को पृथक कर लिया जाता है उसके बाद छोटे छोटे खंडों के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है प्राप्त कर लिया जाता है फिर उसके बाद आपका है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक द्वारा सभी छोटे छोटे खंडों को साइज के आधार पर व्यवस्थित कर लिया जाता है साइज के आधार पर देखिए यहाँ देखिए सबसे पहले छोटा रखा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा करके इसी तरह से व्यवस्थित करके रख लिया था आगे बढ़ते हैं दोस्त साउथर्न बलोटिक तकनीक द्वारा व्यवस्थित डीएनए नाइलोन पर स्थापित कर दिया जाता है अब देखिए इसको जब यहाँ हो गया आपका मतलब साइज के आधार पे अभी बताएं दोस्तों कि स्थगित कर दिया था साइज के आधार पे अब इसका स्थानांतरण कहाँ कर दिया नाइलोन मेंब्रेन पर नाइलोन मेम्ब्रेन पर इसका स्थानांतरण कर, कर दिया जाता है नायलोन मेम्ब्रेन पे इसका स्थानांतरण कर दिया जाता है नाइलेन मेंब्रोन नाइलेन मेम्बरेन को डीएनए प्रोब्स के माध्यम से धोया जाता है यहां इसको क्या कर दिया जाता है धोया जाता है हम इसको क्लीन कर देते हैं बढ़िया अब नहीं लग रहा है धोया जाता है माध्यम से धोया जाता है जिसके कारण डीएनए के प्रत्येक खंड से एक प्रोब जो धोया जाता है यहाँ तक आप लोग स्थानांतरित कर लिया जाता है दोस्तों नाइलोन मेम्ब्रेन को डीएनए प्रोब्स के माध्यम से धोया जाता है जिसके कारण डीएनए के प्रत्येक खंड से एक प्रोब जोड़ा जाता है इस प्रक्रिया को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक यहाँ हुआ ना इसी में वो जो बनता है दोस्त एक गो रहता है लेकिन एक और साथ में उसका क्या किया जाता है जोड़ा जाता है मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए ऐसा नहीं कि हम बड़ा छोटा बना दिए तो ये दोनों आपका बराबर कर दिया जाता है ऐसा जोड़ दिया जाता है ताकि उसके डीएनए को हम एक बन गया एक अपना क्या कर लिया जाता है बराबर कर लिया जाता है ताकि उसके बारे में हम रीडिंग कर सकें और इस प्रक्रिया को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं स्पेलिंग हम लिख देते हैं एच वाई बी आर आई डी आई एस ए टी आई ओ एन हाइब्रिडाइजेशन एच वाई बी आर आई डी ए टी आई ओ एन थोड़ा राइटिंग जानिए रहे हैं आप सुन लिए होंगे समझदार तो इतना है ये हैं आप लोग कि अब इतना बड़े हो गए हैं बड़े क्या इतना समझदार भी हो गए हैं कि आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं मतलब तो समझ ही रहे होंगे आप लोग चलिए ना अगले पॉइंट पे आते हैं हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइज्ड नाइलोन मेम्ब्रेन का ऑटोबायोग्राफी किया जाता है जिसके फलस्वरूप अक्सरे प्लेट पर डीएनए फिंगरप्रिंट प्राप्त हो जाता है तो कैसे प्राप्त हुआ असर एगो हुआ था प्राप्त अब उसी में हम क्या किए हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा उसका एक जोड़ा बना लिए जिससे हमको डीएनए का फिंगरप्रिंट पता चल गया अब जिस आदमी से डाउट है हमको उस सब का भी डीएनए एन ए लिए उससे मैच किए पता चल गया कि चोरी किसने किया था वैसे तो आप लोग हैं भी समझदार एक बार चलिए ना छोड़िए एक क्वेश्चन हम लोगों का कम्प्लीट हो गया है अब क्या क्या हुआ इसको एक बार अपने भाषा में समझिए इसमें क्या किए दोस्त सबसे पहले हम उनको एक कोशिका रूपी कोई पार्ट ले लिए जैसे हड्डी भी आपका किसी का हड्डी उंगली नहीं है ना काटिएगा तो मान लीजिए चोरी किया तो छेछाड़ फेचार लगा उसका खून का निशाने कुछ भी मिल गया वो लिए उससे हम उससे उसका केंद्रक निकाल लिए दोस्त केंद्रक निकाल के उसका भी टुकड़ा किए हम डीएनए निकाल लिए फिर डीएनए को खंडित कर दिए उसके बाद इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रखें उसके बाद यहाँ इस प्लेट पे क्या किया साउथर्नोट बलोट, ब्लोटिंग पे इसको क्या छोटे छोटे खंडों में व्यवस्थित हम कर दिए शायद इसी पे व्यवस्थित यहीं किए थे एक मिनट देख लीजिएगा आप लोग फिर उसके बाद हम क्या किए इसमें एक के बाद दूसरा मतलब कि धो दिए थे धोने के बाद ऑटोबायोग्राफी हो गया था उसी के बाद आपका एक डीएनए था ताकि उसको हम दूसरा डीएनए उसी तरह से एडजस्ट कर दिए ताकि हमको उसका डीएनए किसका है प्रिंटिंग हमको पता चल सके यही यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये कई बार एग्ज़ाम में आया भी है तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया हम लोगों का देखिए ये जेनेटिक कोडोन है दोस्तों जेनेटिक कोडोन क्या है जेनेटिक कोडोन क्या है जेनेटिक कोडोन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका कहीं ऑब्जेक्टिव आता है ऑब्जेक्टिव के तरह से लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना ये पूरा लिखा हुआ नहीं है पूरा लिखा हुआ नहीं है कहने का मतलब ये ए ए ए को क्या बोलते हैं ये चौसठ टोटल रहता है दोस्तों चौसठ का नाम भी है जो आपको हम सोच रहे हैं मेरे पास बुक तो अभी पास में नहीं है इसका फोटो भी इमेज भी नहीं है ताकि आपको हम दिखा सकें लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं इसको समझाने का ऐसा करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है ना हम इसका गूगल पर से एक बुक का इमेज का और ले लेंगे उसके बाद इसको हम कल के क्लास में समझाएंगे ठीक है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें कुछ क्वेश्चन दोस्त छोटा भी था आप लोगों का क्या एक बार उसको हम देख लेते हैं क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे राकेश ही फ़ोन किए थे सर इसको भी लिखना है क्या आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए भी है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चलिए हम लोग आते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए के पास आते हैं हम इसलिए ये क्वेश्चन नहीं बताए थे दोस्त कि थोड़ा इमेज जो है ना ये पेज वाला इमेज थोड़ा साफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा माइनस कीजिएगा आप लोग माइनस क्या करना है हम क्लियर रूप से बोल देंगे ठीक है जिस समय आपको देखना होगा तो थोड़ा समय लगेगा अब क्या करें सोच रहे हैं सब जब एक साइड से पढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन को छोड़ना भी ठीक नहीं लग रहा है ताकि जहाँ तक होगा तो कंप्लीट ही हो जाएगा ना थोड़ा सा इसी क्वेश्चन पर आप लोग माइनेज कीजिएगा ना पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्या होता है डीएनए जो सबसे पहले हम इसको कुंडलित क्रम में इसे रखा हुआ है दोस्त इसमें जो है ये इसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं ये बिंदा जो है ना दोस्त केंद्रक के तरह इसको हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं देखिए और ये रस्सी नुमा जो है इसको क्रोमो मेयर कहते हैं अब सबसे पहले फिर इसको क्वालिंग करने के बाद ये क्या होता है सही से सिकुड़ जाता है सिकुड़ने के बाद संगणन का क्रिया होता है ना तो ये इस तरह का हो जाता है फिर ये दो गो डबल हो जाता है डबल होने के बाद इसमें बीच में याद कीजिए आपको हम बताए थे क्रोमेटिट्स या क्रोमोमेयर जिस जिसके सहायता से ये आपस में क्या होता है जुड़ जाता है तो यही आपका क्या हो गया डीएनए का पैकेजिंग हम जानते हैं कि आपको बहुत कम समझ में आया होगा तो इसी हम क्या करेंगे आपको एक एक लाइन ये वाला हम पढ़ के आपको समझाएँगे भी क्योंकि फिगर तो बना लीजिएगा आप लोग लेकिन लिखा हुआ जो है ना थोड़ा साफ नहीं है उसके बाद है आपका सर्चिंग ऑफ जीन जीन का खोज शायद जीन का खोज आप लोगों को हम बताए हुए थे कि क्या चलिए ना पहले इसमें डीएनए एन कहते हैं फिर तो जैसा होगा देखा जाएगा देखिए जब गुणसूत्र जब जब गुणसूत्र देखिए दोस्तों यदि लिखना होगा ना हम जान रहे हैं आप लोगों को ये सही से दिखाई नहीं दिया दे रहा होगा हम क्लियर रूप से बोलते हैं जब गुणसूत्र दानेदार धागा नुमा संरचना के रूप में दिखाई पड़ता है जब गुणसूत्र दानेदार धागा नुमा संरचना के रूप में दिखाई पड़ता है तब इस संरचना तब इस संरचना क्रोमोमेयर क्रोमोमेयर या क्रोमेटिन ये दोनों है कोई एक के वो लिखेगा दोस्त तब इस संरचना क्रोमोमेयर तब इस संरचना को क्रोमोमेयर कहते हैं जबकि दानेदार संरचना को न्यूक्लियोसोम कहते हैं दानेदार संरचना को न्यूक्लियोसोम ठीक है ये धागा संरचना दोस्तों हम फिगर में टिक कर रहे हैं देखिए धागा जहाँ भी है ये क्रोमोमेयर हो गया ये और जो बिंदा जो है ना उसको हम लोग न्यूक्लियो सोम कहते हैं दूसरा पॉइंट पे आते हैं दोस्तों जब क्रोमोमेयर का कुंडली कुंडलीकरण जब क्रोमोमेयर का कुंडलीकरण श्रेष्ठ कुंडलीकरण तथा संघनन होता है देखिए कुंडलीकरण हो गया दोस्तों या श्रेष्ठ कुंडलीकरण कहिए उसके बाद देखिए यहाँ क्या हुआ संघनन वही समझाते हुए भी चल रहे हैं जब क्रोमोमेयर का कुंडलीकरण श्रेष्ठ कुंडलीकरण तथा संघनन होता है तब एक छोटा और मोटा धागा प्राप्त होता है जिसे क्रोमेटिड कहते हैं जिसे क्रोमेटिड कहते हैं या कहा जाता है कहते हैं जो भी लिखे हैं एक चीज ठीक है लेकिन जब ऐसे दो क्रोमेटिड आपस में सेंट्रोमेयर द्वारा जुड़े रहते हैं तब इसे क्रोमोजोम कहते हैं आप याद कीजिए दोस्त आपको हम पचमा चैप्टर के शुरू में ही बताए थे दो गो आपका ये आपका दो क्रोमेटिड था ये जो जुड़ा हुआ था आपका सेंट्रोमेयर द्वारा जुड़ा हुआ था इस तरह का हम संरचना बताए थे तो आपको देखिए अभी जो समझाएँ जब दो दो जब क्रोमोमेयर कुंडली श्रेष्ठ कुंडलीकरण तथा संघनन होता है ठीक है दोस्तों देखिए यहाँ संगनन कहीं लिखा हुआ हुआ संगनन हुआ तब ये वाला संरचना आया मोटा रस्सी नुमा होता है देखिए यही लिखा हुआ होगा होता है तब एक छोटा और मोटा धागा नुमा प्राप्त होता है देखिए छोटा और मोटा ये धागा नुमा आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये धागा नुमा फिर ये आपस में किसके सहायता से जुड़ जाते हैं ये बीच में जो है ना दोस्त ये हाँ ये वाला जहाँ बिंदा गया अभी सेंट्रोमेयर के सहायता से आपस में जुड़ जाता है तो दो ये वाला भी समझ गए दोस्त ये वाला भी हम आशा करते हैं आप लोग को यदि फिगर में फिगर में नहीं लिखा हुआ दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग समझने का भी कोशिश कर रहे होंगे फिर आगे बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट भी का पढ़ते हैं दोस्त हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम का निर्माण डीएनए से होता है ठीक है और डीएनए एन पाए जाते हैं हम लोग जानते हैं कि क्रोमोजोम का निर्माण डीएनए से होता है और डीएनए डीएनए में फॉस्फेट डीएनए में यदि लिख लीजिएगा तो भी ठीक है डीएनए में फॉस्फेट पाए जाते हैं पाए जाने के कारण इसे ऋणावेशित यौगिक कहा जाता है अतः डीएनए में संतुलित करने के लिए सॉरी अतः डीएनए को संतुलित करने के लिए किसी किसी धनावेशित यौगिक की अनुपस्थिति अनिवार्य है अतः डीएनए को संतुलित करने के लिए किसी धनावेशित यौगिक की उपस्थिति अनिवार्य होता है देखिए आपको हम समझाते हैं डीएनए में दोस्त फॉस्फेट रहता है फॉस्फेट जो है ना केमिस्ट्री में भी पड़े होंगे ये निगेटिव चार्ज होता है निगेटिव चार्ज है इसके लिए हमको क्या लाना होता है पॉजिटिव चार्ज फिर हमको क्या करना पड़ता है लाना पड़ता है दोस्त अब जो है ना ये डीएनए का पैकेजिंग आता है तो दो नंबर काफ़ी है दोस्तों फिगर बना के जो है ना एक परिभाषा ये लिख के आप इस सब में कोई एक आध पॉइंट लिख दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है चलिए हम आगे भी और आपको समझाने की कोशिश करते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए को संतुलित करने के लिए धनावेश यौगिक के रूप में क्षारिय प्रोटीन ये सब ऑब्जेक्टिव के तरह क्षारिय प्रोटीन जिसका उप नाम हिस्टोन होता है जिसका नाम आपका क्या रहता है हिस्टोन होता है किसमें यूकेरियोटिक कोशिका दो तरह का होता है प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक इसमें हम लोग हिस्टोन का उपयोग करते हैं इतना सब जो है ना आपको इसमें बताएं ये दो लाइन आपको याद रखना है दोस्तों और सभी क्या करना इसका पॉइंट खाली दिमाग में रखना है और ज़्यादा इसमें कहीं कुछ नहीं है अब नहीं भी सब में करेंगे ना कोई दिक्कत नहीं है दो नंबर में आता है दो नंबर के लिए काफ़ी ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग अलग से पढ़ाई करेंगे चलिए ना इतना किए है ना थोड़ा सा हम लोग पढ़ भी लेते हैं क्या क्या ये बोल रहा है हिस्टोन विभिन्न प्रकार के होते हैं एच वन एच टू एच टू बी तथा एच थ्री बी इधर है एच फोर लेकिन इसमें ये सब आपका होता है तो चलिए अभी यहाँ आते हैं प्रत्येक न्यूक्लियोसोम का निर्माण हिस्टोन ओक्टामेयर रूपी प्रोटीन और डीएनए हेलिक्स से बना होता है अर्थात न्यूक्लियोसोम वाले डीएनए में हिस्टोन ऑक्टोमर पैकेजिंग पदार्थ होता है लेकिन दो न्यूक्लियोसोम पैकेजिंग पदार्थ होता है तो ये सब आपको कोई विशेष नहीं है दोस्तों थोड़ा इसके बारे में जानकारी था तो वही दे दिए थे आपको वही दो तीन पॉइंट क्या करना है आपको कंप्लीट रखना है इससे ज़्यादा नहीं करना है चलिए ये पॉइंट भी हम लोगों को ख़त्म हो गया दोस्तों अब सर्चिंग ऑफ जीन जो कि आप लोगों को बता चुके हैं डीएनए एन वही चूहा वाला कहानी सब था दोस्तों ये भी आप लोगों को पढ़ा चुके थे आर भी पढ़ा चुके हैं दोस्तों आर का प्रकार भी पढ़ा चुके हैं फिंगर प्रिंटिंग तो मस्त से भी पढ़ें अब लगता है आप लोग भी खून कीजिएगा नहीं किसी का मजाक कर रहे थे ये वाला दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे लेकिन इसके लिए जो है ना हमको एक इमेज का ज़रूरी पड़ेगा तो उसका इमेज मेरे पास प्रजेंट में भी नहीं है कल गूगल से डाउनलोड करके रखेंगे ताकि हम आप लोगों को बता सकें तो चलिए अभी कम से कम चालीस मिनट 45 मिनट का वीडियो भी बना देंगे तभी आप लोगों को हम एक दो और बताते हैं चलिए दोस्तों वो वाला कल हम आपको बताएंगे अगला क्वेश्चन पे आते हैं टेम्पलेट स्टैंड एंड कोडिंग स्टैंड क्या है टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड क्या है टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड ये सब दो नंबर में यह ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा टेंशन नहीं लेना है और ये वाला भाई जी तो थोड़ा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है कौन यही चलिए ना फिगर भी सही नहीं बन रहा है पप्पू भैया का टेम्पलेट स्टैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड किसे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड या और कोडिंग स्ट्रैंड चलिए आप लोग जैसे जानते हैं कि डीएनए जो बना होता है दो गो स्ट्रैंड रहता है उसी वही एक तरह का है हम लोग जानते हैं कि डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत समांतर होते हैं ठीक है हम लोग जानते हैं कि डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत और समांतर होते हैं तो इसमें से एक स्ट्रैंड थ्री डेज से कहाँ हो रहा है फाइव डेज के तरफ हो रहा है थ्री डेज से फाइव डेज की दिशा में होता है इन्हें टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं लेकिन दूसरा फाइव डेज से थ्री डेज की दिशा में होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं कोडिंग फाइव देखिए पहला का थ्री से फाइव हो गया दूसरा फाइव से थ्री ये वाला बोल रहे थे बोले सर आप मिटाइए दिए हैं गिज के तो क्या देखेंगे अब देख लीजिए ना हटा देते हैं अब एक बार और टिक कर देते हैं थ्री डेज से फाइव डेज हो गया या फाइव डेज से थ्री डेज की तरफ हो गया टेम्पलेट स्टैंड द्वारा आर का निर्माण होता है देखिए डी में दो स्टैंड होता है आर में एक स्टैंड होता है तो इसीलिए दो स्टैंड से तो एक स्टैंड का निर्माण हो सकता है यानी कि डी से किसका निर्माण हो सकता है अरे बाबा आर का तो एक बार फिर से समझिएगा टेम्पलेट स्टैंड द्वारा आर का निर्माण हो सकता है लेकिन कोडिंग स्टैंड द्वारा आर का निर्माण नहीं होता है अतः आर में नाइट्रोजन बेस क्रम हमेशा टेम्पलेट स्टैंड के पूरक होता है मतलब वो जो है आपका कोडिंग स्टैंड उसके क्या है जस्ट पूरक होता है पूरक का मतलब एक दूसरे के तरफ होता है जबकि कोडिंग स्टैंड समरूप होता है लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें टी के बदले अच्छा थाइमीन के जगह यूरासिल आप लोग को याद कीजिए हम बताए थे हैं कि आपको आर एन ए में जो है आपका एक में था थाइमीन ए टी ठीक है ए और टी का लेकिन फिर एक जगह था ए का रिलेशन हम ए और टी के बीच में था ठीक है फिर एक जगह टी को हटा के हम क्या लिख दिए थे यूरासिल इस दोनों में आपका एक के गो रहेगा या तो थमीन रहेगा या तो आपका यूरासिल रहेगा अच्छा नितीश का मैसेज नहीं आ रहा था लगता है नीतीश कहीं चला तो नहीं ना गया है कभी कभी उनका भी याद आ जाता है वैसे आप लोगों को याद तो अक्सर आता ही है पर नितीश का याद थोड़ा सा विशेष हो जाता है हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं चलिए क्या कीजिएगा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है आर एन ए चलिए आते हैं हम लोग आर एन ए अंदर में कैटो है दोस्तों पाँच गो है बीटा अल्फा दो ठो बिटा दो ठो अल्फा ओमेगा है सिग्मा है इस पांचों को हम लोग कोर बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं पांचों को अंदर में जो है इसको हम लोग कोर इंजाइम बोलते हैं ई एन जेड वाई एम ई कोर इंजाइम बोलते हैं इसको सिग्मा फैक्टर बोलते हैं चलिए वह इंजाइम जो छ पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है वह इंजाइम देखिए इंजाइम पे यदि आइएगा पाँच अंदर में एक ऊपर में है छः वह एंजाइम जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है तथा डीएनए के टेम्पलेट स्टैंड से आर निर्माण में भाग लेता है ठीक है आर के निर्माण में ये भाग लेता है या सहायता प्रदान करता है उसे आर एन पॉलीमीरेज कहते हैं ये छबों को जो श्रृंखला के रूप में होता है ये डीएनए एन ए टेम्पलेट से आर निर्माण में भाग लेता है या सहायता करता है इसे हम लोग आर एन पोली कहते हैं सबको आर एन ए पोलीमीरेज कहेंगे सबका मिला हुआ पार्ट को दोस्तों आर एन ए पोली कहेंगे इसमें दो मुख्य भाग होते हैं इसमें दो ठो भाग होते हैं जैसा कि आप लोग पाँचों को देख रहे हैं और ऊपर में को देख रहे हैं जिसमें पांच पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है जिसे कोर इंजाइम्स कहते हैं ये पांचों जो है आपको इसको कोर इंजाइम्स कहते हैं तथा दूसरी एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बना होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं ऊपर में सिग्मा फैक्टर कहते हैं जो अलग में बना हुआ है सिग्मा फैक्टर मुख्यतः टेम्पलेट के सिस्टरन के पी साइट का पहचान करता है ये सिग्मा वाला जो है ना ऊपर वाले का पी साइट का क्या कर लेता है पहचान कर लेता है और ये इंजाइम्स तीन प्रकार के होते हैं आर एन ए गंदा हो गया फिगर आर एन ए ये है आर एन ए तो इसी में आपका तीन आर एन ए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीन तरह का होता है पहला क्या करता है आर आर एन ए का निर्माण करता है आम आर एन ए और टी आर एन ए का ये सब पॉली सब जो आएगा ना दोस्तों एन सी आर टी का क्वेश्चन है ये दो नंबर में आता है कोई भारी बात नहीं है शायद क्वेश्चन नंबर सिक्स या आठ लिखा हुआ है इसका मतलब एन सी आर टी का क्वेश्चन छः नंबर या आठ नंबर देखिएगा ना तो ये आपका मिल जाएगा सिस्टराम शायद हम आपको बताए थे शायद पाँचवां या आठवां चैप्टर जब बता रहे थे ना उसमें शायद लास्ट में आप लोगों को मिला होगा तो चलिए दोस्तों यहाँ भी जब आ गया है तो कौन से इसको छोड़ने वाले हैं तोड़ मरोड़ के इसको भी खल्लास ही कर देंगे बकलोल जी को रिस्पेक्ट देना है दोस्त कभी कभी आप लोगों को डांटने के चक्कर में आप लोग हैं नहीं तो किसी और को डांटना पड़ जाता है वैसे आप लोगों को बुरा तो लगता भी नहीं डांट के भी क्या फ़ायदा है हम चाहते हैं आप लोगों को बुरा लगें और इतना गुस्सा आए इतना गुस्सा आए कि आप लोग ये सब कंप्लीट तुरंत कर लें लेकिन आप लोग तो क्या है जानिए रहे हैं हम बोलना क्या चाह रहे हैं है। अब इतना भी हँसना उचित नहीं है चलिए आते हैं सिस्टरॉन क्या होता है डीएनए का वह क्रियाशील भाग जो पी साइट से टी साइट के बीच होता है पी साइट से टी साइट ये पी साइट है दोस्त ये टी साइट के बीच में होता है उसे ही हम लोग सिस्टेराउन कहते हैं डीएनए का यही भाग क्या कहता है प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है काफ़ी है दोस्तों इसको कितना मिनट का हो गया आधा घंटा का हुआ है सोच रहे हैं और पढ़ा है कितना टाइम हो गया दोस्तों थोड़ा सा अब हम भी मेला सोच रहे हैं घूमने चले जाएँ आज इतना ही रहने देते हैं मिलते हैं कल अच्छा एक बात ये बताइएगा आप लोग क्या छः बजे जो लाइव पढ़ते हैं वो टाइम ठीक है ना या यदि कुछ दिक्कत हो रहा है तो लाइव बंद कर देंगे रिकॉर्डेड ही देंगे जैसा आप लोग कहिएगा पिक्चर क्वालिटी बताइएगा कि रिकॉर्डेड का ठीक रहता है या लाइव वाला ठीक रहता है जो भी ठीक रहेगा ना हम उसी तरह से आप लोगों को पढ़ाएंगे चलिए ठीक है टेक केयर आप लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा मेला में ज़्यादा बदमाशी नहीं करना है धन्यवाद आज इतना ही रहने देते हैं आप लोगों का मेला शुभ हो धन्यवाद